स्वागत है आपका एक और वीडियो में। लो जी सुबह के 7:30 बजे हैं, मैं और मयंक चले हैं एयरपोर्ट पे क्योंकि भाई मम्मी आ रही है आज, उनको लेने जा रहे हैं। यही कोई 1.25 घंटे का रास्ता है यहाँ से, है ना। ये तो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया। नमस्ते जी। राम राम जी। नमस्ते जी। ठीक है जी, तो चलो पहली बार कनेडा आ रही है जी मम्मी। देखते हैं भाई उनको क्या आगे आगे अपडेट देंगे, उनको कनाडा कैसे लगा। मैं वैसे बहुत से बंदे तो यही बोलते हैं कि जो जब इंडिया से आते हैं तो थोड़े दिन तो उनका मन लगता है, 20-25 दिन, है ना। पर भाई वैसे हमें अपनी मम्मी के नेचर का और पता है कि उनका मन यहाँ लग जाएगा क्योंकि उनको भाई हमारे की तरह घूमने फिरने का बहुत शौक है। और समर में आ रही है आजकल तो वैसे भी बढ़िया यहाँ, है ना। सर्दियों में तो फिर भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो मिलेंगे बाकी देखेंगे कैसा लगा उनको कनाडा, है ना। नए बंदे को तो आके बहुत, उनके लिए तो भाई नई दुनिया होती है, इंडिया वालों के लिए, है ना। बाकी मिलके देखते हैं क्या बोलते हैं कनाडा के बारे में, कैसा लगेगा क्या क्या नहीं, है ना। ठीक है जी, चलो फिर बने रहो वीडियो में। है ना, ये ऐसी चाय होती है जैसे कि बहुत सी, जो यार क्या बताऊं, जैसे प्लेन में ना मिला चा वैसी होती है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट सी हो, नजारा आ जाती करने साथ में एवरीथिंग। तो भाई आज के ब्लॉग में हरियाणा भी निकलेगी थोड़ी। हरियाणा से बंदे आ रहे हैं हमारे, हरियाणा भी निकलनी तो आज बनती है। हाँ जी, तो भाई आज के ब्लॉग में हिंदी तो चलेगी, चलो साथ में भाई हिंदी हमारी मातृभाषा तो अपनी हरियाणवी है। हाँ, हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है भाई। तो बाकी हरियाणवी बीच बीच में कुछ वर्ड हम हरियाणा के जितनी मर्जी हिंदी बोलने की कोशिश कर लें, जितनी मर्जी अच्छी हिंदी बोल लें, पर भाई बीच में कुछ ना कुछ एक आधा वर्ड निकल ही जाता है। तो भाई मैं अंकल की बात हूँ, वो कैटरिंग वर्क कर रहे नहीं आए थे बंदे। हाँ जी, वैसे हिंदी बोल रहे थे उनके साथ, भाई बोलते हैं हिंदी बोलते हैं यार, हम हरियाणा वाले बंदों के साथ तो चलो आपस में जैसे मर्जी बात कर ले, है ना। सही बात है। पर भाई जो दिल्ली के पता नहीं कहाँ के थे, कैटरिंग बुक कर रहे थे शादी की, भाई ये भी बता दें आपको राणा फ्यूजन कैटरिंग भी करता है अगर कोई लोकल कनेडा में देखता है, ठीक है ना जी। तो भाई कैटरिंग बुक कर रहे थे, बुक करते करते मैं उनके पास 20-25 मिनट बैठा, मेरे को सारी सर्विस बता रहा था, सेवाएँ बता रहा था भाई क्या क्या देनी है, क्या क्या मिले फैसिलिटी है हमारी कैटरिंग में, ना क्या सिस्टम होगा, कितने एपेटाइजर होंगे, कितना मेन कोर्स, सारा कुछ बता रहे थे जी। तो मैं बोल रहा था प्योर हिंदी थी उनके साथ क्योंकि मैं थे दिल्ली के, चाणक्यपुरी के पता नहीं कहाँ के थे भाई। अच्छा, तो मेरे मुंह से ना बीच में बोलते बोलते पता नहीं भाई कौन सा वर्ड निकला होगा, मैं मेरे एक्सेंट पकड़ के बंदे कह रहा जी हरियाणा से हो आप, मैं कहा हाँ जी, कह रहा अच्छा अच्छा बढ़िया जी, कह रहा आप पहचान लिया हमने आपके एक्सेंट से। तो भाई ऐसे हम हरियाणा में जितनी मर्जी हिंदी बोलने की कोशिश कर लें पर हम पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। सही बात है, क्योंकि वो पंजाबी है जैसे वो अगर बोलते हैं ना, वो भी हिंदी बोलने की कोशिश करेगा उसका तो नहीं बोल नहीं जाती, वो तो बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकता। फिर भी अगर कोई बंदा है ना अलग अलग जगह की, जैसे हिमाचल वाले उनके अपना अलग हिमाचली टाइप हिंदी बोलते हैं वो, हरियाणा अपने अलग ही हरियाणवी एक्सेंट और हिंदी दोनों मिक्स, दिल्ली वालों की अपनी अलग हिंदी है, दिल्ली वाले हिंदी बोलते हैं उनकी अलग है। पर एक बात है भाई, दिल्ली वाले हरियाणा वालों से मिलके बड़े खुश होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे को जितने भी दिल्ली के मिले हैं ना, वगैरह उनको बोलते हैं भाई हम हरियाणा से हैं, तो बहुत खुश होते हैं मिलके, ये बोलते हैं वो अच्छा अच्छा वो तो अपना ही है हरियाणा, तो कोई चक्कर नहीं भाई, बोर्डर ही पड़ता है। सही बात, वो क्योंकि भाई दिल्ली में हरियाणवी ज्यादा है, है ना, तो ये चीज है। बाकी व्यू देखो सामने क्या जब चेक करो यार, रोड भी ज्यादा बिजी नहीं है संडे की वजह से, आप देखो क्या नजारा, एक रिवर आएगी रास्ते में बैडर रिवर, कितनी प्यारी रिवर है वो, इतना साफ पानी नीला बिल्कुल,
यहाँ रिवर बहुत सारी है, होप रिवर होगी, फेड रिवर होगी, छोटी मोटी तो पता नहीं, और लेक तो मैं कहूँ आसपास हमारे आसपास 20 से ज्यादा लेक होंगी और सारी नेचुरल है सारी। हाँ इसी मतलब 100 किलोमीटर के अराउंड 100 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 15 से 20 लेक आ जाएंगे भाई, और बिल्कुल साफ पानी वाली। सिंपल कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसमें भी ऐसा लगता है कि फिल्टर ला के रिकॉर्ड कर रहा है। भाई आपको बता दें यहाँ की जो वीडियो बनाते हैं ना वो उसमें कोई फिल्टर नहीं लगाते, क्योंकि भाई सुंदर इतना है कनाडा में उसकी जरूरत ही नहीं है फिल्टर की, खूबसूरत है। बल्कि फिल्टर लगा के ना हमें ये अजीब सा लगने लगता है ना, शक्ल नॉर्मली बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई बाकी व्लॉग का ये भी फायदा है, एक सवा घंटे का रास्ता है अपना, इसका पता ही नहीं चलता कि भाई 15-20 मिनट हो भी गए पता भी नहीं चला, नजारा है। इधर से आओ मम्मी, लो जी फाइनली आ गई हमारी मम्मी भी कनाडा, बड़े लंबे इंतजार के बाद। सीट पे रख दे आगे वाली। चलो जी वेलकम हो रहा है, देख लो मेरा पंगा फूल पाल गेर रखे भाई, नहीं ऐसे चले जाओ अंदर ही काट देंगे। नमस्ते नमस्ते, उनके साथ क्या क्या गए साथ रहो। आप हमको लेके जाओगी पार्टी? हाँ ठीक है, देखना कम कर दे बात, परेशान मत करना, भी बोलता रहे। और जी ठीक ठाक पहुंच गए? अभी वीडियो बना ली पहले।